हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में। और चैनल का नाम है मिस्टर एंड मिसेज आर्यन। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए मुझे, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी हो रहा है शाम का टाइम और पतिदेव बस आ गए हैं, तो उनको लगी है भूख। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ाया है, दाल मैंने बनाई है और सब्जी बनाई है। चावल नहीं बनाया था और उनका मन था रायता खाने का, तो फटाफट मैंने सोचा चलो ये सारी तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद छत पर जाती हूँ। क्योंकि छत पर जाऊँगी, मौसम बहुत अच्छा है तो थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं खीरा छील रही हूँ, उनके लिए मुझे बनाना है रायता। रायता बना दूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी छत पर। फिर वो जब छत से आएँगे तब खाएँगे अपना, जब भी उनका मन करेगा। बना रहता है तो ठीक रहता है। और वो शाम को ही खाते हैं, रात में नहीं खाते हैं, क्योंकि जो है उनको नहीं समझ में आता है। सबका अपना अपना खाने का अलग अलग टाइम होता है, तो उनका टाइम कुछ अलग ही है, कुछ ज़्यादा ही अलग है। और उन्हीं के साथ मैं भी खा लेती हूँ। सही बताऊँ तो सोने के 2-3 घंटे पहले अगर खाना आप खा लेते हैं तो पेट की कोई भी प्रॉब्लम आपको छू भी नहीं सकती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको। क्योंकि आप टहलते रहते हो, काम वगैरह करते रहते हो, तो खाना वाना अच्छे से जो है पच जाता है। तो बस हम लोग का यही आदत है, यही नियम बन गया है, तो हम लोग भी जो है सेम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर मैंने दही जमाई थी, दही थोड़ी सी खट्टी हो गई है जिससे रायता थोड़ा सा और अच्छा लगता है। बस जीरा मिर्चा मैंने पीस के रखा है, लेकिन उसमें मैंने जीरा और हाँ नमक मिक्स करके मैंने रखा है, लेकिन उसमें हर मिर्ची मैंने नहीं मिलाई है। तो थोड़ा सा अगर लाल मिर्ची डाल दूँगी ना तो थोड़ा सा टेस्ट इसका जो है ना और बढ़ जाएगा, क्योंकि दही खट्टी है, खाने में बहुत टेस्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जीरा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा लाल मिर्च डालूँगी और बस खाना बनकर तैयार हो चुका है। अभी चलते हैं थोड़ा सा बाल बाल सही करेंगे, क्योंकि आज मैंने धुला था बाल और बाल की हालत देखिए कैसी हुई है। और माँ बेटे सो रहे थे, इसकी वजह से लेट हो गए, नहीं तो ये सारा काम मैं पहले ही ख़त्म कर लेती। पतिदेव के आने के बाद थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, उसको इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा। और बस यहाँ पर अंडा रखा हुआ था, अभी के लिए शाम को मैं अंडा उनको खिलाती हूँ, तो उनके लिए जो है मैं अंडा छील के इसको फ्राई कर लूँगी। अभी ही नहीं, सब लोग खाते हैं, पति देव एक खाते हैं, एक मैं खाती हूँ, एक क्यूटी खाता है, तो तीनों का शाम का ये नाश्ता हो जाता है। अभी पति देव छत पर है, तो जब तक ये मैं अंडा अंडा तलूँगी, अंडा अंडा वो खाएँगे, उसके 1-2 घंटे बाद खाना खाएँगे। क्योंकि वो शाम को आते हैं तो 2-2.5 घंटे बाद, या कभी आधे घंटे में, कभी 10 मिनट में ही ऐसे चले जाते हैं, तो उनके टाइम के हिसाब से सारा कुछ करना पड़ता है। तो अभी किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, बस इनका अंडा थोड़ा सा मुझे लाल लाल फ्राई करना पड़ता है। इन्हीं का नहीं, सबका करना पड़ता है, क्योंकि किसी को ऐसे हजम नहीं होता है, हजम मतलब खाने का मन नहीं करता, टेस्ट नहीं आता है। यहाँ पर एक प्याज मैं इसी में डाल देती हूँ काट के, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ अपने, और जो है अभी के पापा में थोड़ा सा मिर्ची डाल देती हूँ, और अभी का एकदम सादा रहता है। तो ये शाम का हम लोगों का नाश्ता हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। शाम को या पूरे दिन में 1-2 अंडा हम लोग को ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में। यहाँ पर बाल वगैरह थोड़ा सा सही करेंगे, क्योंकि एकदम जो क्या होता है पता नहीं कैसा अजीब सा उलझ गया है। यहाँ पर मैंने बाल वाल सही किया, बाल को मैंने बांधा, क्योंकि गर्मी तो नहीं हो नहीं रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। और अभी मैं जा रही हूँ छत पर, क्योंकि बहुत खूबसूरत मौसम है। अब इवनिंग वाला सारा काम ख़त्म करके जा रहे हैं छत पे। अभी और मौसम का नज़ारा सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, क्योंकि देखिए कितना खूबसूरत मौसम हुआ है ना, एकदम शाम का टाइम है। मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो, लेकिन मैं इतना सज धज के गई थी, सारा बेकार हो गया क्योंकि बारिश आ गई और फिर मुझे नीचे ही आना पड़ा 10 से 15 मिनट के अंदर। देखिए बादल कितना ज़्यादा घेरे हुए है, बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम हो चुका है। तो चलिए अभी मैंने बैक कैमरे से दिखाया, अभी फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं। क्या लीजिए, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश आने वाली है।
अभी और यहाँ पर बूंदा पानी, चलो अभी बारिश हो रही है, चलो पतंग उतारो, कितना अच्छा मौसम है। और ये है दूसरे दिन की क्लिप, मैं अभी सोकर उठ रही हूँ। हालत देखिए कैसी हुई है, क्योंकि अभी मैं ब्लॉग्स एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा ये वाला ब्लॉग इनकम्प्लीट था, तो मैंने सोचा आप लोग से थोड़ी सी बातें करते हैं और इस वीडियो का भी जो है मैं एंड करती हूँ। इतना तैयार होकर छत पे गए थे लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया, तो मैं जहाँ भी बैठी रहती हूँ एक गिलास बड़ा वाला पानी भर के रखे रहती हूँ, साथ में पीती रहती हूँ और बस इसी के साथ अपना ब्लॉग्स वगैरह एडिटिंग करती हूँ। तो चलिए फिर आज का यही मेरा ब्लॉग था फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, अभी सो गए थे, मेरा क्यूटी सो रहा है, मैं सोकर उठ गई हूँ। यहाँ सब ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है यहाँ सब, इसकी वजह से थोड़ा सा हालत और ज़्यादा ख़राब है और ब्लॉग्स वगैरह नहीं बन पाता, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू मैं लगी रहती हूँ। जैसी भी हूँ, जिस भी हालत में मैं रहती हूँ, मैं आप लोग के लिए ब्लॉग्स वगैरह शूट करती रहती हूँ। बहुत प्रॉब्लम होती है सच में, लेकिन मेरे लिए एक याद है ये, आगे चलकर मैं देखूँगी कैसे मैंने सारा कुछ मैनेज किया था, कैसे मैंने क्या क्या किया था, अच्छा लगेगा फिर। तो बस बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों से, अभी इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्लीज़ आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसको एडिटिंग करो, बहुत 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 ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी जाएँ पहले फेस वॉश वगैरह करें, थोड़ा सा पानी ठंडा ठंडा पिए, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए, क्योंकि अभी सोकर बस उठ ही रही हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं फ्रेंड्स, और इधर से फेस सही आ रहा है, नहीं इधर से भी नहीं आ रहा है। चलिए फिर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।